दैट वाज द मैसेज आई वांट टू आपसे शेयर करना चाहता हूं. कोई क्वेश्चन किसी विद्यार्थी का? चलिए आप सोचना, आपको होमवर्क दे रहा हूं. इस मदर का पानी नीला दिखता है परंतु इधर ग्लास में पानी नीला नहीं दिखता. आप सोचना इसके बारे में. ठीक है, आपको होमवर्क है जी. इसे बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये तो नीला नहीं है. यहाँ से लाइट स्कैटर नहीं क्या हो रही? यहाँ भी लाइट है. आप सोचना है इसके बारे में. आपको होमवर्क है. परंतु अगर आप नियरेस्ट कोई इधर नदी देखें, ये नहर है हमारे ज्योति सर को जाते हैं, उसका पानी का रंग क्या दिखता आपको? है ग्रीनिश या ब्लूइश दिखता? नहीं दिखता. तो वहाँ स्कैटरिंग का लाइट अलग है, जहाँ लाइट अलग है, इसके बारे में सोचना आपको. चलिए सोचना कि आप क्या कर सकते हैं, कैसे है. आपने नहीं पूछा तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया. नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि रमन जब अपने मास्टर्स में थे तो भी वो इतना, जैसे कह सकते हैं स्टूडेंट लाइफ में बहुत डेयरिंग होता है कि बहुत बड़े साइंसिस से डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना. उन्होंने रेले को लेटर लिखा और कहा कि जो आपने इन्वेंट किया है रेले स्कैटरिंग, वो उसमें फ्लॉज है, वो शायद सही नहीं है या वो पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है. तो जो ये क्वेश्चन पूछना है ना, ये रमन की लाइफ इस काम के लिए बहुत ही आदर्श है कि हमको ये देखना होगा कि अगर हमने कुछ पूछना है तो उसके लिए कम से कम हम डरे नहीं. कितना भी बड़ा आदमी हो, जब मास्टर्स में वो है या बैचलर डिग्री में रमन है, तो भी वो सीधा उसी आदमी को लेटर लिख रहे हैं जिसने उसको इन्वेंट किया और उसको चैलेंज कर रहा है. ठीक है. और जब उन्होंने हृदय में किस्सा भी है कि जब रजा ने वापस रिप्लाई किया तो उन्होंने समझा कि रमन एक स्टूडेंट नहीं है, वो प्रोफेसर है. तो उन्होंने प्रोफेसर कह के उनको जो है, ठीक है, तो क्वेश्चन तो पूछना चाहिए, बिना इसके आगे गाड़ी चलती नहीं है. ठीक है ना. तो क्वेश्चन जितना आप पूछोगे, बिना डरे पूछोगे, हो सकता है कि हम लोग भी इसी फील्ड में है, कुछ आएगा कुछ नहीं आएगा. ठीक है ना. लेकिन कम से कम एक सोचने का पॉइंट मिलेगा. तो ये बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन आप पूछिए, बिना इसके जो है काम चलता नहीं है. मैं भी मॉर्निंग में किस्सा सुना रहा था कि एक छोटी बच्ची का था कि प्रकाश सीधे रेखा में चलता है, और फिर जब मैंने उसको बाद में एक्सप्लेन किया कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, तो कुछ वो ऐसा मूव करता है, तो आई वाज वेरी मच सरप्राइज. खैर, लेकिन क्या है कि इसे आप क्वेश्चन पूछोगे तो कभी कभी बहुत नई चीज़ें आपको मिल जाएंगी. ठीक है. यही एक्सप्लोरेशन जो है ना, ये साइंस को आगे बढ़ाता है. और रमन ने भी ये किया था. हम हमेशा कंप्लेन करते हैं कि आज मेरे पास ये इंस्ट्रूमेंट है, ये नहीं है, तो हम कैसे कम्पीट करें. रमन का देखो ना, सोर्स है ना, और एक बड़ा सिंपल सा फिल्टर इस्तेमाल किया हुआ है, और बहुत जैसे सभी में आप देखते हो कलर अलग हो जाता है, उस तरह का एक स्पेक्ट्रम के टाइप का सिस्टम है उनके पास, फिर उनका सिस्टम है. तो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, इनकरेजमेंट नहीं है, लेकिन जो एक चीज़ उनके पास है वो करेज है. करेज है और अपना सेल्फ मोटिवेशन है. वो चीज अगर आपके पास है तो फिर आप आगे करोगे. थैंक यू सर. थैंक यू सर. आपने बहुत ही ज्ञानवर्धक व्याख्यान बच्चों के समक्ष प्रस्तुत किया, और खास बात ये थी कि आज का जो व्याख्यान था वो डायरेक्टली साइंस से रिलेटेड ना होके एक ऐसे महान वैज्ञानिक जिन्होंने देश का नाम दुनिया भर में रोशन किया, उनकी जीवन गाथा से संबंधित था, ताकि आप उससे कुछ मोटिवेशन ले सकें. तो वो इस व्याख्यान के पीछे का मेन ध्येय था. तो इसी के साथ मैं सर का धन्यवाद करता हूँ, और सभी स्टूडेंट्स से अनुरोध करूँगा कि आप प्लीज़ इसके बाद पंडाल में पहुँचेंगे, अपने गैजेट्स को, प्रोजेक्ट्स को फिर से दुरुस्त कर लेंगे, क्योंकि ठीक 5-10 मिनट बाद आपके लिए वहाँ पर जो जजेस का पैनल आएगा और आपका मूल्यांकन होगा. आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि अपना जल्दी से जल्दी अपना लंच फिनिश करेंगे, और विद इन ए हाफ एन आवर हमारे जजेस हमारे साथ हैं, हम आके इवेल्यूएट करते हैं. ठीक है. तो ऑल आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज मूव फॉर द लंच डायरेक्टली. थैंक यू. नहीं, यहाँ से फ्री हुआ हूँ और वापस ऑफिस चला हूँ.